हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी बहनों को, माताओं को। तो जैसे हमारा करवा चौथ फेस्टिवल आ चुका है, आज चौथ है, करवा चौथ है, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने कैसे क्या तैयारी की है और सारा पूजा पाठ का सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे पूजा की है, कैसे मैं करवा चौथ मनाती हूँ, सारा कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज गाइस, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। चौथ की मैंने ज्वेलरी निकाल दी है, पायल और साड़ी है ये मेरी, सारा कुछ है ये, तो ये मैं इतने में रेडी होने वाली हूँ। और सारी कुछ मैंने तैयारी कर ली है पूजा पाठ की भी, तो मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ, करवा चौथ स्पेशल लुक। तो रेडी होने के पूर्व मैं मतलब पटा रख दी थी गोबर से लिपने के बाद, और गमला रख दी थी तुलसी का ताकि मैं वहाँ पे फ़ोटो रख के अच्छे से पूजा पाठ कर सके। और यहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ कलश रखने के लिए, और अपने करवा रखने के लिए मैंने अगल बगल सारी रंगोली बना के रखी थी। और ये मैंने बनाया है करवा में फरने के लिए मीठा गुलगुला, पकौड़ी और मीठी पूड़ी, लड्डू, और ये सब चार चार में भरती हूँ। जैसे करवा चौथ है ना, तो चौथ है तो इसीलिए मैं उसमें चार चार चीज़ सब भरती हूँ। बेसन का लड्डू, मीठा में मैंने काजू कतली चार रखी हुई थी, और इसमें चावल का लड्डू ज़रूर रखना चाहिए, तो मैं चावल का लड्डू नहीं बनाई थी। बहुत से लोग क्या करते हैं, पोहा बस भर देते हैं, कोई कोई लाई बस भर देते हैं, कोई कोई पानी, कोई कोई गेहूँ, बट मैं शुरू से ही भरती चली आई हूँ करवा में सारा कुछ। तो मैं यहाँ पर छोटी सी कटोरी में मैंने खीर भर के रख दी है, और ये मैंने पूरा सारा सात चीज़ मैंने भर दिया है करवा में, सात चीज़ भरती हूँ, कभी पांच चीज़, ऐसे जो स्टार्टिंग से करते आए हैं वही करना चाहिए। और यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारी करवा मैंने दिखाया आपको भरते हुए, इसमें सात चीज़ें भरी हुई है, और ये चलिए खाली गिलास, ये अभी चांद देखने के लिए है, और इसको मैं अभी थाली को सजाऊंगी फूलों से। और मेरा कलर है यहाँ चंद्रमा को लगाने के लिए मैंने तैयार कर दिया है, ये आरती करने के लिए, और ये चांद, आटे का चांद मैंने बनाया है। और पूजा करते टाइम मैं दिखाऊंगी अच्छे से आपको कि कैसे मैंने। तो अब मैं यहाँ पे रेडी होने लगी हूँ, तो ये मेरी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। तो सबसे पहले मैंने चूड़ी पहनी है, और इसके बाद मैंने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मेरा ब्लाउज, ये बहुत ही अच्छा ब्लाउज सिल दी थी, मतलब लग नहीं रहा था इतना अच्छा से, लेकिन बहुत अच्छा सारा डिज़ाइन डाली थी। और यहाँ पे ये मेरी हेयर स्टाइल, जल्दी जल्दी मैंने हेयर स्टाइल बनाया फटाफट, क्योंकि 6:30 बजे पूजा करनी थी, क्योंकि पूजा का मुहूर्त 5:46 में था। और ये चुनरी मैं फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मुहूर्त का समय था 6:05:46 में, और 7 बजे तक उसका मुहूर्त था इस बार, तो बहुत जल्दी मुहूर्त का टाइम था। तो मैं 6:30 से फिर भी बैठी जितना रेडी होने के बाद, और 6:30 से 8 बजे तक मेरी पूजा टली, और चंद्रमा 8 बजे से वेट करते करते चंद्रमा निकल ही नहीं रहे थे। और यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई है करवा चौथ, सारा कुछ मैं बोल रही थी दिखाऊंगी आपको। अरे मेरी बगल वाली हैं दोनों, देवरानी जेठानी हैं, तो हम लोग 3 लोग हैं, और भी लोग आते हैं, बट इस बार मायके सब चले गए थे तो नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ सारी हो गई है, अब हम लोग आरती करेंगे, आरती करने हवन करेंगे, हवन के बाद आरती करते हैं। तो चंद्रमा का बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, निकली नहीं। 8:30 बजे से वेट करते करते 10:30 बजे तक मैंने वेट किया चंद्रमा का, तो इतना वेट करने के बाद जब चांद नहीं निकला, तो फिर हम लोग अर्घ दिए दोनों लोग, उनकी दौरान चली गई थी, उनके बेटे की तबीयत खराब थी, तो जल्दी में दे के चली गई थी 8 बजे। और यहाँ पे हमारे पति देव की पूजा हो रही, चांद की पूजा करने के बाद पति की पूजा कर, तो सारा दिन का मेहनत जो सुबह से करते करते आया, फाइनली फल उसका मिल गया, और ये हमारा करवा चौथ का व्रत खुल गया पानी से। बहुत ही अच्छा लगता है ये त्यौहार मोरों को करवा चौथ का। अब इसके बाद घर के अंदर तो मैंने जो चांद को प्रसाद बनाया था, वही प्रसाद यहाँ पे मैं रखी हुई हूँ। पूरी सब्जी भी मैंने बनाई है, तो मैं बिना लहसुन प्याज का खाते हैं इसमें, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, बस लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। तो मैंने पनीर की सब्जी और पूरी बनाई थी, तो वही हस्बैंड खिला रहे हैं बड़े प्यार से।
तो हम लोग का खाना पीना होने के बाद अब फाइनली हमारा गिफ्ट मिल गया हमको। ये बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट देता है, और ये मेरा करवा चौथ में हर साल मुझे गिफ्ट मिलता है, तो गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली करवा चौथ में मिल गया, तीज उज में नहीं मिलता, अभी त्यौहार में नहीं मिलता। रही बात दिवाली की, तो दिवाली में तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए मिलते हैं कि लो सामान घर का, ये ले आओ वो ले आओ। तो यहाँ पे पतिदेव का बढ़िया पहना रहे मेरे को पायल, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मतलब खुशी होती है जब कोई गिफ्ट देता है पहनाता है। तो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी। एंड गाइस, वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोग करवा चौथ कैसे मनाए हैं प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा मैसेज में। और अब बाकी वीडियो तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी थी, आपने देख ही लिया है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।